सो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि माइक भले ही इस बात का दिखावा कर रहा था कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन असल में तो यहां पर माइक की फट रखी थी इन दो डोले शोले वाली टाइग्रेसेस को देखकर। तो फिर ऐसा देखते हुए डेव माइक से कहता है कि इस बारे में जरा एक बार सोच कर तो देखो कि तुम इस टाइग्रेस के साथ में शादी कर सकोगे, यहाँ तक कि तुम इस वाइल्ड सिटी के राजा भी बन जाओगे, इसीलिए क्यों ना तुम यहीं पर रुक कर राजपाट संभालो। और माइक को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी उन दोनों को ही चिल्लाते हुए एक बंदा आ जाता है और वो इस बारे में कहता है कि क्या यहाँ पर तुम लोगों को भी जबरदस्ती लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों को ब्लाइंड डेट के लिए लाया गया है उनमें से कोई भी अपनी मर्जी से तो आया ही नहीं है। और दूसरी तरफ जिया और रो दोनों ही मिलकर अपने इस ब्लाइंड डेट में आई हुई लोगों के बैंड बजा रहे थे और अभी तक कोई भी ऐसा महारथी उन लोगों के सामने नहीं आया था जो की इन दो खूबसूरत महिलाओं को तगड़ी टक्कर दे सकता। तभी माइक वहाँ पर आर्म डोलो जैसे दिखने वाले बंदे से कहता है, अब तुम भौंको, तुम हमें क्या बताना चाहते थे? तो वो बंदा उन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता था कि क्या तुम दोनों को भी यहाँ पर अरेस्ट करके लाया गया है? अब तो मुझे लगता है कि ये तो यहाँ का एक तरीके से नियम जैसा बन गया है। इन लोगों को कोई भी नया बंदा देखता है तो ये लोग उसको ब्लाइंड डेट के लिए ले आते हैं, यहाँ तक कि जो पहले से यहाँ पर आ गया है जबरदस्ती करके उसके रिलेटिव वालों को भी लाया जाता है। इसके बाद फिर वो कहता है कि चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। कहता है कि सबसे पहले तो तुम लोग मेरे इस आर्मर को देखो जो कि एकदम सॉलिड मेटल से बना हुआ है और मेरा नाम है लाओ ताई। तुम लोग चाहो तो मुझे ताई अकेला भी बुला सकते हो। और फिर लाओ ताई डेवर माइक से कहता है कि तुम लोगों की शक्ल को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम लोग तो यहाँ के हो ही नहीं बल्कि किसी और ही जगह से भूले भटके आ गए हो। तो माइक उससे कहता है कि अरे भाई, तुमने तो हमारे बारे में बहुत ही जल्द पता लगा लिया। फिर वो लाओ ताई से कहता है कि भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये आखिर किस तरीके का कंपटीशन चल रहा है। तो फिर लाओ ताई यहाँ पर उन दोनों को ही बताता है, सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पर मौजूद भी लोगों को देखो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रेसेस के लोगों को पकड़ के लाया गया है और ये देखा गया है कि अगर सेम रेसेस के लोगों की शादी कराई जाती है तो उनके बच्चे कमजोर ही पैदा होते हैं, लेकिन तो अलग अलग पावरफुल रेसेस के लोगों की शादी कराई जाए तब एक काफी ताकतवर नस्ल का जन्म होगा और इन दोनों ही प्रिंसेस के अंदर टाइगर डीमन किंग का खून है, यानी कि वो लोग तो पहले से ही पैदाइशी ताकतवर है, इसलिए उन्हें केवल ताकतवर मर्दों की जरूरत है क्योंकि इन लोगों को कभी भी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए इन लोगों के अंदर की जो एनर्जी है वो भी पूरी तरीके से भरी हुई है। इसीलिए लॉर्ड डीमन किंग ने यह स्वयंवर कराने का डिसीजन लिया कि कम से कम इनकी शादी तो हो सके, लेकिन असलियत तो यह है कि इन लोगों से ज्यादा तो छोड़ो, इनके बराबर वाली ताकत का भी इन्हें कोई भी नहीं मिला। तो माइक कहता है कि यानी कि इन घोड़ियों पर लगाम लगाने के लिए इन्हें घोड़ों की जरूरत है। तो लाओता कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, इसीलिए मैंने भी फर्स्ट राउंड में इसके लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पहले ही राउंड में मेरी बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई कर दी गई, लेकिन ये देखा गया कि मेरे शरीर में अभी भी ताकत है जिसकी वजह से मुझे सेकंड राउंड के लिए भी ले लिया गया। लेकिन लाओ ताई की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि पता नहीं इस बार उसके साथ में क्या होगा। तो माइक उसको समझाता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अब इसका नतीजा चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ना होगा और हो सकता है कि इन घोड़ियों पर लगाम लगाने का मौका तुम्हें ही मिल जाए। और तभी उन लोगों के सामने एक और वॉरियर मुंह के बल आकर नीचे गिरता है जिसकी बैंड उन दोनों ही प्रिंसेस ने बजा दी थी, जिस चीज को देखकर फिर भी माइक उस बंदे से कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही वो दोनों ही प्रिंसेस अभी भी चैलेंज दे रहे थे कि क्या किसी भी मर्द में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्दानगी को हमारे सामने साबित कर सके, लेकिन उन दोनों की ताकत को देखकर यहाँ के सभी लोग घबरा रहे थे। फिर प्रिंसेस रो यहाँ पर जियाओ से कहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सभी के सभी कूड़े की ढेर में से निकल कर आए हो, क्योंकि किसी में भी हमें असली ताकत तो देखने को ही नहीं मिली, इसीलिए वो दोबारा से नजर घुमाती है ताकि वो किसी और नए बंदे को सिलेक्ट कर सके, लेकिन उसकी घूमती हुई नजरों को देखकर सभी के सभी वॉरियर्स घबरा रहे थे। और फिर तभी उसकी नजर पड़ती है डेवर माइक के सामने खड़े हुए बंदे पर, यानी कि फाइनली लाओ का सेकंड राउंड खेलने का वक्त आ चुका था। जियाओ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, तुम तो पहले भी हमारे साथ में लड़ चुके हो जब तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखा रहे थे, इसीलिए चलो आज आवाज देखते हैं कि तुम हमारे सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। इसीलिए अब जियाओ और रो भी दोनों ही मैदान में पहुंच जाते हैं। लाओ कहता है कि जब अब फाइट करनी ही है तो क्यों ना स्टाइल में करी जाए, इसीलिए उसको सबसे पहले अपने फुल आर्मर की जरूरत थी जिसे वो अपने केवल एक ही टेक्निक की मदद से सूट अप कर लेता है। और ये आर्मर उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था जिसकी मदद से वो पूरी तरीके से आर्म डिलो में बदल चुका था, जिससे कि माइक और डेव को उसके पावर लेवल के बारे में ही पता चल जाता है। ये बंदा तो असल में 8 लेवल को पार कर चुका है, यानी कि सच में इसके अंदर पावर तो छिपी हुई है। इसके बाद फिर लाओ आर्म डिलो वाली बॉल में बदल कर उन दोनों को ही ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसके मुकाबले जियाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल और होशियार भी होती है। उसे लाओ को पकड़ने में और उसकी बैंड बजाने में ज्यादा देर नहीं लगती क्योंकि वो तो उसको फेंक
रहकर उसे एक पिलर से भी टकरा देती है। यहाँ तक कि वो उसे नीचे लाते हुए बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी और अपनी बहन को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर सेकंड प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन लाओ वे भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो दोबारा से एक राउंड बॉल बनकर उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन जियाओ तो उसको अपने केवल एक ही पंच की मदद से रोक लेती है, जिससे कि अब लाओ को लगने लगा था कि वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जियाओ अब दोबारा से अटैक करने के लिए आती है और अपने पंजों से उसको चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसकी वजह से अब लाओ बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। साथ ही साथ अब ऐसा देखकर माइक और डेव को भी बुरा लगने लगा था। दूसरी तरफ हमें डीमन सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब गार्ड्स की बैंड बजाते हुए आ चुकी होती है रेड एंड रूबी। यहाँ तक कि वो अपने सामने आने वाले काफी सारे गार्ड्स को मार भी चुकी थी। तभी उसके ऊपर अचानक से हिमाकी के बचे हुए हाफ डीमन हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रूबी के केवल एक ही पावर अटैक की मदद से उसके कोई भी करीब तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रूबी को तो पहले से ही पता है कि डेव और माइक यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिनसे वो यहाँ पर अपना हर्ट वापस लेने के लिए आई है। दूसरी तरफ उस टाइग्रेस ने लाओ को मारते मारते उसका बैगन भरता बना दिया था। तो लाओ कहता है कि मैं हार मानता हूँ, अब मैं तुम्हारी साथ में फाइट नहीं करूंगा। लेकिन वो टाइग्रेस उससे कहती है कि अगली बार तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन के आना, और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके ऊपर करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसको रोकने के लिए वहाँ पर सामने आ जाते हैं डेव और माइक, और वो लोग यहाँ पर उन दोनों ही टाइग्रेस से कहते हैं कि ये कॉन्टेस्ट जब तक अच्छा लग रहा था, जब तक कि तुम लोगों ने इसे बुली करना स्टार्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि वो दोनों ही बंदे इन हॉट फाइटर्स का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। जिया और रो को गुस्सा आता है कि आखिर तुम लोगों की हमारे सामने औकात ही क्या है, कि तुम जैसे यूजलेस ह्यूमन बींग हमारी क्या ही इच्छा पूरी कर पाएंगे। इसीलिए वो उन दोनों को ही फाइट से रिजेक्ट करके यहाँ से जाने लग जाती है। ऐसा देख कर माइक और डेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए ये कहते हैं कि आज ये कमजोर इंसान तुम्हें अपनी असली ताकत की औकात दिखाएंगे, और हम दोनों ही तुम दोनों प्रिंसेस को चैलेंज करते हैं फाइट करने के लिए। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन चारों के बीच में एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।